नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट उपाध्याय, मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में। और ये पटना का सबसे बड़ा ग्राउंड है, यूं कहें तो बिहार का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। और मेरे पीछे लगा है राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इस मेले की खासियत है कि आपको अलग अलग तरह की किताबें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं, और स्टूडेंट का जमावड़ा तो काफ़ी होता है। और ये हर साल लगाया जाता है, इस साल ये 24 नवंबर को लगा है, और 24 नवंबर से लेकर ये 10 से 15 दिनों का रहता है। और एक जो है दूसरा जो मेला है, जो पुस्तक मेला ही है, वो जो 1 दिसंबर से लगने जा रहा है, जो 24 से लगा है, वो मेला कैसा है और क्या कुछ है इस मेले में, वो मैं आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कि यहाँ का जो टिकट है वो 10 रुपया प्राइस है टिकट का, और स्टूडेंट के लिए भी शायद कुछ छूट है। आप वहाँ पर इसका जो काउंटर है वहाँ पर पता कर लेते हैं, देखिए कैसा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। गेट कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो फ्रंट का है जहाँ से आप इंटर करेंगे। टिकट कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टिकट काउंटर जो है यहाँ है, कुछ इस तरह से टिकट काउंटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और टिकट का जो अगर पूरे मेले का अगर पास लेना है आपको तो 50 रुपये का है, और अगर आप एक बार विजिट करते हैं तो वो 10 रुपये का टिकट है। देख रहे हैं ये फ्रंट गेट है, यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं, और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं आपको एक बड़ी सी स्टॉल नज़र आती है। स्टॉल इतनी बड़ी है कि आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं या फिर कहानियों में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये जो जगह है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और देखिए ये गैलरी जो है उसमें अलग अलग जो प्रकाशन की जो किताबें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं उपकार प्रकाशन, बहुत ही फेमस है, और उपकार प्रकाशन जो है इसमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं। आप जनरल अवेयरनेस की बात करें या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो भी आपको किताबें यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए जो है काफ़ी फेमस है और काफ़ी पुराना है, तो इसमें लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना हुआ है इस प्रकाशन के साथ साथ। और देखिए इसमें अक्सर आपको कंपटीशन के एग्जामिनेशन की जो तैयारी वाली जो किताबें हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए लोक सेवा जो आयोग है BPSC वाली की जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी, UPSC पैटर्न के देखने के लिए मिलेगी, कमीशन सर्विस की बुक देखने को मिलेगी। यहाँ के टीचर वगैरह या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस प्रकाशन की ओर जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्टॉल हैं, लेकिन स्टॉल में आपको तय करना है कि आपको लेना क्या है। क्या नाम है? अंजलि। बुक फेयर कैसा लगता है? कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, यहाँ आपको हर तरह का बुक मिल रहा है, हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी बुक ले रहे थे यहाँ पे आकर ले रहे हैं। क्या करती हो? स्टडी में क्या? थर्ड ईयर। किस टाइप की बुक पसंद है? मुझे ऐसे अगर स्टोरी बोले तो मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है। प्रेमचंद्र का बुक हम अभी कुछ दिन पहले लेकर गए हैं, और आज तो हम अपने कंपटीशन के लिए बुक लेने आए हैं। अच्छा, तैयारी किसकी कर रही हैं? अभी SSC का। SSC का, और आप साथ में हैं? हाँ। आप भी तैयारी करती हैं? हाँ। आपने बुक नहीं लिया? लिया ना इसमें। अच्छा, साथ में लिए हैं। किस तरह का बुक यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अभी अगर देखा जाए तो मोटिवेशनल बुक्स ज़्यादा देख रहे हैं बच्चे। हाँ। और कुछ नॉवेल्स लिए हैं, बाकी तो इसमें आप देख ही सकते हैं अपने लिए। अच्छा, बुक फेयर कैसा माहौल देता है स्टूडेंट को या पटना वालों को? हम अपना एक्सपीरियंस बताया ना, तो सच के हम फर्स्ट टाइम जब आया ना तो मुझे लगा पढ़ने वालों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है ये। अच्छा। सच में। और मेरे साथ मेरे कुछ रिलेटिव या मेरे भाई भी थे, वो कह रहे कि यहाँ मन कर रहा है घर बजा के रह जाए। अच्छा। क्योंकि हम लोग के लिए ना लाइब्रेरी जैसा ये लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा फील है, माहौल तो काफी अच्छा है। और इसके अलावा भी 1 से 10 जो शुरू होगा, 1 से 12 या कुछ ऐसा कुछ है, अलग लगेगा इसके अलावा भी जस्ट बगल में। ये तो 24 से शुरू हो रहा है ना, 24 से शुरू है, और ये शायद कुछ और भी 1 सप्ताह तक रहेगा शायद, उसके बाद वो शुरू होगा। अच्छा, और लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है, आकर देखिए फिर बोलिएगा। उनको क्या कहना चाहेंगे? एक बार बोलेंगे ऐसे आप जज मत करिए, आइए घूमिए, यहाँ का लुफ्त उठाइए, फिर बताइएगा कैसा है। अच्छा, मैं घूमते घूमते मुझे भी कुछ किताबें पसंद आ गई, जिसमें कि मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। और दूसरा जो लिया है जो ये है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, और तीसरा जो किताब है मेरे पास वो सबकॉन्शियस माइंड इसको कह सकते हैं,
वो वाली बुक है, मैंने 3 बुक को परचेज की है और आज इसको पढ़ूंगा। और मैं भी आपको प्रेफर करता हूँ कि बुक्स आपको लेनी चाहिए, स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ने से जो है नॉलेज और एक्सप्लोर होता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्टॉल लगाकर यहाँ पर जो बुक सेल की जाती है, और आप यूँ कहें कि एक बेहतरीन आपके पास ऑप्शन मिलता है एक बार साल में कि बुक को आप देख सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए एक भाई साहब इधर भी मुझे बुला रहे हैं, ये देखिए ये क्या सेल कर रहे हैं, किस तरह किताबें हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए भैया ये कौन सा प्रकाशन है आपका? भैया ये हमारा अमरचित कथा है। हाँ हाँ, इसमें अमरचित कथा में काफी सीरीज मिल जा रही है, जैसे ट्विंकल है, कृष्णा है, अच्छा अच्छा, स्टोरी ऑफ रामा है, ब्रेव स्टोरी है, पंचतंत्र स्टोरी है, और मांगा में आपको मिल जाएगा चेंसो मैन हो गया, डेमन स्लेयर हो गया, अच्छा अच्छा, कूल प्रिंस है, हो गई जितनी भी सारी चीज चाहिए। और अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया में चाहिए तो मेनी मोर इंसाइक्लोपीडिया, बेस्ट सेलर इंसाइक्लोपीडिया आपको मिल जाएंगे। यानी कार्टून वगैरह की जो बुक्स है आप, हाँ, आपके पास अवेलेबल है, पूरे कार्टून की पूरी बहुत लंबी रेंज लगी हुई है। हाँ हाँ, जिसमें चिल्ड्रंस से लेकर एडल्ट तक कोई भी, मतलब अगर शौकीन है, पढ़ना चाहता है, हाँ, तो उनको हर टाइप की बुक्स उनको अवेलेबल है यहाँ पे। क्या बात है। और स्टार्टिंग रेंज क्या होगी? स्टार्टिंग 20-20 रुपीज से स्टार्टिंग हमारे यहाँ पे है, 20 रुपीज से स्टार्टिंग है। हाँ, और आगे हमारे पास 22,000 तक के रेंज है, हमारे पास 22,000 तक का है। 22,000 वाली कौन सी किताब है? ये है भैया 22,000 वाली रेंज वाली बुक है, ये देखिए 22,999 की रेंज है, अल्टीमेट कलेक्शन। इसमें पूरी अमरचित कथा की पूरी आपको ना ऑल इंटायर रेंज मिल जाएगी पूरी। क्या बात है, मतलब एक बार खरीदिए हमेशा के लिए पढ़िए बच्चे के लिए। क्या बात है, इंटायर रेंज मिल जाएगी। दूर से देखने से ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बर्तन वर्तन का सेट होता है ना, वैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बुक की पूरी जो कलेक्शन इसमें। घर में एक अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं, पूरा एक कम्प्लीट, मतलब एक सरप्राइज गिफ्ट है बच्चे के लिए। अच्छा अच्छा, और इधर अगर आप देखते हैं तो इधर बहुत अच्छा हमारे पास जैसे फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, और सबसे बड़ा अच्छा ऑफर है ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी लेते हैं अप टू 1,000 MRP तक कोई भी बुक्स 500 की 3 में ले सकता है। मतलब 1,000 MRP कोई भी बुक सपोर्टेड, ये बुक्स आपने निकाला और इसकी प्राइस 1,000 रुपीज है, तो ऐसी 3 बुक्स वो जो है 500 रुपये में ले सकता है 3 किताबें। अच्छा, तो ऐसी जितनी भी मतलब रिलेटेड बुक्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और इधर देखिए सबसे अच्छी बेस्ट पार्ट है हिंदी में जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं, रिच डैड हो गया, जीत आपकी हो गई, तो ये सब कितने की है? हाँ जी, ये 3 किताबें 500 रुपए की, 3 किताबें, एक बुक 200 रुपए की है और 3 बुक 500 रुपए की है। क्या बात, कोई भी 150 रुपए की बुक्स है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे जो आज के दिन हॉट प्रोडक्ट बना हुआ है वो है सेपियंस। अच्छा, काफी लोग हैं सेपियंस की रेंज मांग रहे हैं, तो ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और वो जो रखा हुआ है और साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाँ ये भी नंबर 1 है। जैसे अभी क्या ना कि जो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए हम लोगों ने हिंदी में व्यवस्था किया, हिंदी में पढ़िए, भी 500 की 3 किताबें हैं। और इधर जो अमीश त्रिपाठी जो वर्ल्ड फेमस बुक्स है, राम रावण सीता लंका मेलुआ बायपुत्रा नागास, इसी पूरी इंटायर सीरीज आपको मिल जा रही है। क्या बात है, तो ऐसे कुछ भी अच्छा, चाहिए कोई और कोई जो मतलब जैसे इसे नॉवल टाइप की पढ़ना चाहे, तो जैसे कुलीन हुवर की होती थी, हम लोग पहले आई थी इसकी बेस्ट सेलर बुक थी, तो लोग चाहते थे कि इसकी हिंदी में आए, तो इस बार हम लोग के पास हिंदी में भी बुक्स है। जी जी जी, बताइए। ये कोई चाहता है कि अगर आपसे बुक परचेज करना तो कैसे और किस स्टॉल पे आना है, क्या है? ये हमारा स्टॉल नंबर 21 और 22 नंबर, अमरचित्र कथा और प्लस दारियल मार्क, ये हमारी फर्म है दारियल मार्क और लखनऊ से है। थोड़ा सा दिखाइए इनका, हाँ, इनके फर्म को दिखाइए, इनके नंबर्स को दिखाइए। हाँ, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। जो है व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है और मेल आईडी है, अगर कोई भी फर्दर बुक चाहिए तो कॉल कर सकते हैं और हम डायरेक्ट डिलीवरी भी करा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता है। अच्छा, क्या आप मैनेजमेंट देखते हैं इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हम मैनेजमेंट देखते हैं, पूरे प्रबंधन देखते हैं, हम लोग 4-5 स्टेट में देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। क्या बात है। जी जी जी, कलकत्ता में भी हमारा अभी लगने वाला है 15 तारीख से, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, वहाँ पे भी लग रहा है, तो ऐसे हर जगह हम लोग करते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम चाहते हैं कि कम से कम रेंज में सस्ती से सस्ती किताबें प्रोवाइड करें, और यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पटना में मिलेगा, मिलेगा। यहाँ की युवा जो है काफी जो है मतलब जो है किताबें सेलेक्ट करके ले जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। मेरे लिए लग के बात है कि हमें पटना में मौका मिला है। इस पटना कैसा लगता है? पटना बहुत अच्छा लगता है सर, हर चीज के लिए अच्छा। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं सर। चलिए, आप वैसे हैं कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ सर। लखनऊ से? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन्हें एक स्टॉल पर विजिट करें
और देखिए इनके पास भी आप बहुत सारे कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसी तरह का जो है बहुत सारा यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगे, कॉमिक मिलेगी और साहित्य की किताबें मिलेंगी, मतलब आप कलेक्शन मिलेगा आपको। एक बुक्स, अगर बुक्स लवर हैं तो आपको बहुत सारा, छोटे बच्चों से लेकर आपको मतलब बड़े बच्चों, मतलब पढ़ने की तो उम्र कोई नहीं होती है, बूढ़ा क्या, जवान क्या और बच्चा क्या, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो बुक्स ही बुक्स है आपके लिए। और इस मेले में क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोगों से बातचीत करूँगा। ये देखिए स्टॉल नंबर 42, यहाँ पर भी देख रहे हैं छोटे बच्चे का कलेक्शन आपको दिख रहा है। भाई साहब ये क्या है? ये वॉशेबल बुक है। क्या वॉशेबल बुक? हाँ जी, मतलब पानी से धो लेना है, पानी से गीले कपड़े से वॉश हो जाएगा। ये देखिए पानी में डाल रखा, खराब नहीं। ये देखिए, ये तो कमाल का चीज भाई ने दिखा दिया, ये बुक्स को देख रहे हैं, ये पानी में गीला है, ठीक है, खराब नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। ये देखिए ये सारी बुक्स है, इस पर आप किसी भी स्केच पेन, जेल पेन, बोर्ड मार्कर, क्राउन, वाटर कलर, किसी आप कुछ भी ड्राइंग बनाए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको कपड़ा गीला करना है, पूरा क्लीन हो जाएगा, ये फटेगा गलेगा कुछ नहीं, वॉशिंग मशीन में धो भी दो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये क्या है, प्राइस क्या है आपका? छोटे बच्चों के लिए है ना? हाँ, प्री प्राइमरी लेवल के लिए है, 249 प्राइस है, स्पेशल डिस्काउंट पे दे रहे 150 की। 150 का है, ये इसका बैनर है पूरा। क्या बात है, इनके बैनर को देख एक बार दिखा दीजिए, और ये गांधी मैदान में लगाए हुए हैं, हर साल फटेगी भी नहीं। हाँ, फटेगी भी नहीं। तो छोटे बच्चों का कलेक्शन आप इनके पास देख सकते हैं, और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है देखने को। और यहाँ पर तो बुक्स का कलेक्शन इतना है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। क्या सर, किस तरह की आपके स्टॉल में बुक्स हैं? साहित्यिक किताबें हैं, साहित्य की किताबें हैं, साहित्यिक है, चिल्ड्रन है और धार्मिक किताबें हैं। साहित्यिक है, बच्चों की है और धार्मिक किताबें हैं, सही बात है। स्टार्टिंग रेंज क्या है, कौन से प्रकाशन से हैं आप? प्रभाकर प्रकाशन। प्रभाकर काफ़ी फेमस है ये तो? जी सर, दिल्ली से। दिल्ली से है। रिस्पॉन्स कैसा है? ठीक ठाक। ठीक ठाक है, ज़रूरत है। ये देखिए उर्दू अकादमी प्रकाशन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। ये देखिए खुदा बख्शा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, पटना वाले भी किसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सर थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूँगा, किस तरह की किताबें हैं आपके पास? हमारे यहाँ हर तरह की किताबें हैं, जैसे कि खानदान तैमूरिया है। अच्छा, उसके बाद जो है सो वो जो है हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी भी है। अच्छा, मेरे पास। उसके बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद है, औरंगजेब एक नई दृष्टि है। और उसके बाद जो है प्रकाशन कौन सा है आपका? खुदा बख्श पब्लिकेशन। अच्छा, ये अपना है? अपना है, अपना है, काफी पुराना है। खुदा बहुत पुराना है, एशिया की बड़ी लाइब्रेरी है, और फिर जो है उसमें और लैब प्रकाशन भी करती है किताबें, उससे रिसर्च का भी काम होता है, हर तरह के काम होते हैं। जी सर, अपना नाम बताएंगे, स्टॉल नंबर बताएंगे? स्टॉल नंबर 53 है। मेरा नाम मिनहाज आलम खान है। ओके, कैसा है इस बार का रिस्पॉन्सर पटना का? ठीक है, ठीक है, क्लास। ठीक है, जो भी लोग उर्दू की किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर उर्दू के लिए, जो कि खुदा बख्शा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी। यानी कि आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर साहित्यिक जो किताबें हैं वहाँ पर मिलती होगी। क्या किस पब्लिकेशन से हैं? यूनिवर्सिटी बुक से है। यूनिवर्सिटी बुक से हैं जी। क्या क्या है आपके पास? हर विषय की, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब, हर विषय की है सर। इसमें मेनली जो पब्लिक जो पसंद कर रही है वो क्या है, किस तरह की किताबें? हिस्ट्री, बिहार पर ज्यादा किताबें बिक रही है। बिहार पर ज्यादा किताबें बिक रही है, और हमारे राजनीति किताबें, दर्शन की भी किताबें बिक रही है। अच्छा, उसके बाद ये आपको हिस्ट्री में भी किताब। पब्लिकेशन कहाँ का है? पटना का है। पटना का है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, तो आपको अगर बिहार में रुचि है, बिहार को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है ये स्टॉल। स्टॉल नंबर कितना है? 54 है। और ये देखिए एक किताब ये दिखाना चाहते हैं, बिहार एक सोच, यानी कि सारा कुछ इसमें आपको, बिहार की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी पढ़ने के बाद, एक संपूर्ण बिहार आप जानेंगे। और ये देखिए बिहार की नाटकीय लोक विधा, और ये चीज तो बहुत कमाल की है, मुझे लगता है इसे भी देखना चाहिए, इसमें नाटक की विधा को विस्तार रूप से समझाया गया होगा। और ये एक ऐसी बुक्स है जो जितनी भी नदियां बिहार, उत्तरी बिहार से गुजरी है, सारे गाँव के नजदीक से सभी गाँव का ये वर्णन है। चलिए आपने देखा कि किस तरह
बिहार बिहार को प्रमोट करने के लिए बिहार का पब्लिकेशन आपके लिए खड़ा है। और ये देखिए शाहबाद के गौरव, राष्ट्र के रत्न, यानी कि यहाँ पर जो लोग बिहार में रहकर बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनका एक संग्रह है इस किताब में राष्ट्र के रत्न नाम से, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और स्टॉल जो है ये पटना का है और पब्लिकेशन पटना का है, तो आपके पास बिहार को जानने के लिए बेहतर अवसर है। क्या कैसी चीज़ है? नायाब चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या हीरा लेकर आ गए? जी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ादी से पहले अच्छा अंग्रेजों के खिलाफ अखबार निकालते थे जिसका नाम था अल हिलाल। उसको थोड़ा दिखाइए, क्या है ये? ताल है। क्या बात इसकी है? पहली जिल्द है ये, तो ये वो सुमारा है जो पहला सुमारा यहाँ से, तो ग्रंथ लग रहा है जी। तो सुनिए, जो वो अखबार निकालते थे अल हिलाल के नाम से, तो अंग्रेजों ने उस पर पाबंदी लगा दिया था, तो उनको जेल भी कर दिया था, तो उन्होंने अल हिलाल को बदल करके फिर अल बलाग के नाम से शाया करना शुरू किया अखबार। क्या बात है! तो वो ये 7 वेलूम में है और जितने सुमारे आज़ादी से पहले निकले हैं अंग्रेजों के खिलाफ सारे इसी में कैद हैं। अब इसकी ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल लिपि ये है। क्या बात है! और ये जो है इसकी, इसको कलेक्शन जो है ईरान, सऊदी अरब, इराक, हर जगह से, पूरे सुमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थे, इसको कलेक्शन कर करके पूरा मुकम्मल एक एक कॉपी। अच्छा, इसमें इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसे आज़ादी की लड़ाई जो है जब चली थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अखबार के जरिए लोगों को जगाने का काम किया था। क्या बात! उसकी तहरीक चलाई और उसको जगाया। अच्छा। और जब जो उसके अखबार पे जब पाबंदी लगा दी जाती थी, वो अखबार है अल हिलाल। अच्छा। ये वही है अखबार, तो ये अखबारों को पुस्तक का संग्रह किया गया। हाँ, उस तो अब बता देते हैं ठीक से, वो किया गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन शुरू कर दिया है और लोग सब जागरूक हो गए हैं, हमें तो पाँव हमारी ज़मीन से उखाड़ देगा ये, तब उसने इस पे बैन लगा दी। तो फिर उसने दूसरा अखबार निकाल दिया पैगाम नाम देकर। अच्छा। पैगाम नाम दे करके दूसरा शुरू किया, उसमें भी आज़ादी का वलवला और जोश जुनून तैयार हुआ और करते करते आज मुल्क आज़ाद हो गया। क्या कितने की है ये स्टार्टिंग? ये 2520 रुपए की है। अच्छा अच्छा। एक्चुअल कीमत वैसे इसकी कीमत 4200 है, लेकिन इस पर 40% छूट है। अच्छा, अच्छा। छूट के बाद ये 2520 रुपए। अच्छा, स्टॉल नंबर कितना है? स्टॉल नंबर है 52। 52। क्या नाम है आपका? उर्दू अकेडमी जबीउल्लाह। ठीक है, अगर आपको इस पुस्तक में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है तो आकर एक बार विजिट करने की ज़रूरत है, देखिए। और ख़ास बात यह है कि इस उम्र में भी सर जो है अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जज्बा जो है युवाओं में चाहिए, आपको देखने की रुचि आप में होनी चाहिए, क्योंकि जो किताबें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मुल्क को? मुल्क को ये संदेश देंगे कि मुल्क में अमन अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, किसी किस्म के आपस में इख्तलाफात ना हो। मेरी जनता से यही गुजारिश है कि कम से कम आपस में तो विदेश से लड़िए, लेकिन आपस में अपने मुल्क के लोगों से, सब ही हिंदुस्तानी है, सबका खून हिंदुस्तान का है, तो आपस में लड़ना कटना ये मेरे ख्याल से कि गैर मुनासिब है। मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं? मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि तन सर तन से जुदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं सर तन से जुदा मत कीजिए, इतना गड़बड़ चीज़ है। बस आप लोगों का प्यार अपने मुल्क के साथ बना रहे जी, और इसी तरह जो है किताबों का संग्रह आप लेकर आते रहें, प्रचार प्रसार करें किताबों के जरिए, अच्छी चीज़ें प्रकाशित करें। मैं रिटायर हो गया हूँ, 2 साल हुआ है। क्या रिटायर? किस विभाग में थे आप? यूपी उर्दू अकेडमी, गवर्नमेंट का ही है ना। क्या बात है! उर्दू अकेडमी से रिटायर हैं, प्रोफेसर थे क्या? नहीं, उसमें अधीक्षक थे। अधीक्षक थे। रिटायर होने के बाद अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दिया, पोस्टें सब खाली हैं, तो ये सब शिरकत किताबों में बहुत रुचि रखते हैं जी, तो हम उस मोहब्बत में चले आए कि अपना घर द्वार बीवी बच्चा छोड़ के चलो बुढ़ापे में। हालांकि मेरे साथ एक चपरासी आया था, उसके बड़े फादर की डेथ हो गई, वो 11 बजे भाग गया, मैंने कहा भाई जॉब दे लो मैं झेल लूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जबीउल्लाह है। कितने वर्ष आयु हो गया आपके? जी कितने साल? मेरी 62 साल उम्र हो चुकी है। अभी मैं इस साल हज करके भी आया हूँ। क्या बात है, क्या बात! रिटायर होने के बाद ये तय किया था कि हज करूँगा, हज कर करके फिर हज करके आया हूँ, फिर यहाँ अपने काम शुरू कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वीडियो हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि ये बदकिस्मती एक इतनी है मेरी जरूर कि हम लोग के पास 17 दिन का टाइम नहीं रहता, विभाग में सब खाली पड़ा हुआ है। अब ये है कि हम 2 तारीख तक वापस चले जाएंगे, कोई बात नहीं, तो हमारी किताबें तो
तब तक सिमट जाएंगे। कोई नहीं, फिर भी लोग अगर आएंगे आएंगे, ठीक है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है। मेले घूमते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत सारा आपको कुछ ना कुछ आयोजन का जो माहौल है वो दिख रहा है मुझे। कुछ लोग मंच पर बैठे हुए हैं लेकिन क्या भाषण दे रहे हैं नहीं मालूम, चलकर देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है 22 स्कोप, क्या है थोड़ा बताइए हम लोगों को इसके बारे में। कल क्या थोड़ा बताइए इधर, इसी कैंपस में बिहार का इतिहास है, बिहार का इतिहास है, हमेशा आती है। हाँ, हर मेला में इवेंट पे भी जाते हैं हम लोग, इवेंट पे। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? बिहार का खास चीज है इसमें, खास का चीज है जैसे इतिहास का, जैसे गोलघर हो गया, बोधगया हो गया, राजगीर हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, अच्छा यही सब चीज है। कुम्हरार पार्क मतलब कहाँ से देखेंगे? ये देखिए, इसको खोल कर देखेंगे एक बार में। तीन लोग देखेगा क्या? पाँच लोग, कहाँ कहाँ से? ये देखिए, यहाँ से देखेंगे तो आपको बिहार का इतिहास दिखेगा। एक छोटा सा जो है बक्सा टाइप का है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें समेटी हुई हैं। और देखिए फूल भी गया, अरे भाई ये तो इसी क्षेत्र से पूरा इतिहास देख लेंगे हम। ये बताइए तो कितने देर दिखाती हैं? एक से डेढ़ मिनट क्या पूरा बिहार का दर्शन हो जाता है? पूरा बिहार का दर्शन डेढ़ मिनट में करा देंगे 10 रुपए में। ये माइक से क्या होता है? गाना बजता है इससे, इसको गाना बज रहा है। अनाउंसमेंट नहीं करती हैं? तो मुझे लगा अनाउंसमेंट के लिए। अच्छा ये कब तक लगाएंगे? 10 तारीख से लगा, कब से रही है? 10 तारीख तक लगाएंगे, 24 तारीख से लग रहा है। 10 तारीख यहीं पे आप बताएंगे? चलिए, अगर आप बिहार दर्शन करना चाहते हैं, इसका नाम 22 स्कोप है ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आभा झा हुआ। क्या? आभा झा। आभा झा जी, आभा झा जी से जो है एक बार विजिट कीजिए इनके पास और बिहार के इतिहास को देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना चीज बताया हमें वीडियो में। आज वीडियो रिलीज करूंगा, देख सकते एक्सप्लोर वर्ल्ड। ये देखिए, और यहाँ बनाया भी हुआ बजाबता, इस पर बैठ के जो है पूरा इतिहास इस क्षेत्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए और भी चीज से, एक और चीज हमको देखने को मिल रही है बुक फेयर में। ये देखिए, इस टाइप का जो दुकानें है ना, आपको अलग तरह का एक माहौल बना देती हैं। जहाँ किताब बिक रहा है, ये अपना शैम्पू बेच रहा है भाई, तो ये भी एक अलग टाइप का है। यहाँ पर क्या क्या है भाई, इधर बताओ यार जरा। ये देखिए, अगरबत्ती अगरबत्ती जला हुआ है, यहाँ पे दो चार मॉडल का फोटो लगा हुआ है। क्या नाम है भाई साहब? ओ भाई जी, कोई नहीं है क्या? हैं, कहे सर मारो भाई, आओ ना, मार के भागेंगे थोड़ी ना, इधर आओ। ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये गुलाब जल है, ये शैम्पू है, ये सब क्या क्या है भाई, पूरा माहौल बनाए हुए भाई। क्या है ये? फेस पैक है, धूप बत्ती है, गुलाब जल है, शैम्पू है, वो सब ठीक है। तो बुक फेयर में आप ये सब शैम्पू ये सब बेच रहे हैं जी? किताब उताब बेचना चाहिए ना? किताब वाला मेरे तो सिस्टम ही नहीं, जय क्या जय वाला सिस्टम है। मतलब ये क्या है? ये धूप पत्ती है, चंदन का रहता है, चंदन का रहता है। चलिए, अगर इस तरह का फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं तो भाई की इस दुकान पे विजिट कर सकते हैं। ये बुक फेयर में भी भाई लगा दिया है। कहाँ से है भाई? यूपी से, कन्नौज। यूपी से, यूपी वाले पूरा एकदम चापे हुए हैं स्टॉल, है ना? और स्टार्टिंग रेंज क्या है आपकी? स्टार्टिंग रेंज मतलब शुरू कहाँ से है? 50 रुपए से अगरबत्ती स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा माहौल बनाए हुए हैं। ये देखिए, पीछे मुड़िएगा तो ये लोग तो अलग ही एक माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पर जो एक भाई जो है पूरा डिट्टो चित्रकारी कर रहे हैं, देख पा रहे हैं? ये देखिए, रात के समय खा रहे थे, देखिए किस तरह से यहाँ पर सेम टू सेम मोबाइल से उतार दे रहे हैं चित्रकार। क्यों सर? मोबाइल से ही बना देंगे पूरा? कितने देर में बनेगा सर ये? 15-20 मिनट में मोबाइल से देखी हुई फोटो को ये प्रिंट कर बना देते हैं अपने हाथों से। क्या नाम है सर? एक दिन अच्छी तरह से करेला को सांप के बना के खा लो, सुबह निश्चित रूप से आपके पेट में गैस बन जाएगी। आर्टिस्ट हैं सर, हमेशा आते हैं। 12 बजे के बाद करेले इस्तेमाल किया किसी भी रूप में। एक चित्रकारी बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? आपको शरीर का अनबैलेंस ना भी 200 रुपया लेते हैं। कितना देर लगाते हैं? 15-20 मिनट
15 से 20 मिनट अभी रहेंगे, मतलब इस बुक फेयर में कितने तारीख तक? जब तक रहेंगे एक वहाँ पे लगने वाला 1 से 10 तक, उसमें भी रहेंगे क्या? हो सकता है रहें 12 बजे की। चलिए ये नया टैलेंट है, और ये देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल की फ़ोटो से ज़्यादा खूबसूरत बन रही है ये हाथ की फोटो, देख पा रहे हैं डिट्टो वो सारी चीज़ें उतार दे रहे हैं। कितने वर्षों का अनुभव है? 10 साल से ज़्यादा है। 10 साल से ज़्यादा है। जो सुना आर्ट कॉलेज से हैं क्या? नहीं, एक बात जानना है कैसे कहीं से प्रशिक्षण या फिर सीखते सीखते? गजब का टैलेंट है। देखिए अगर आप इस तरह का जो है चित्रकारी कराना चाहते हैं, अपनी फोटो को बनवाना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं और बुक फेयर में मिलेंगे। कहाँ कोई एक जगह है आपके लिए? ऐसे ही खोजना पड़ेगा आपको की दवाई लेंगे। अभी तो बुक फेयर में कहाँ पे, ये तो लोगों को तो नहीं मालूम चलेगी ना? कभी भी नहीं, आप ऑपरेशन भी करा लेंगे इसके अलावा, बीमारी धीरे धीरे इसके अलावा अभी तो नहीं रहा। नहीं नहीं बुक कोई बुक फेयर में आता है, आप कहाँ मिलेंगे? यहीं पे यही पे 5 से 10 का। अगर आप लोग फोटो बनवाना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चित्रकारी कर रहे हैं सर, तो एक बेहतर आपके लिए हो सकता है कि आपको पेंटिंग्स को दिखाने का मौका मिले। क्या करना होगा इसमें? कुछ नहीं करना है। बुक फेयर कैसा है और किस तरह की किताबें आप लोगों को पसंद है, स्टूडेंट क्या देखते हैं, यही सब बातचीत करेंगे। हाँ करने के बाद आप लोग स्टूडेंट हैं, इतना शर्माते क्यों हैं? ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्कूल के स्टूडेंट या कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज सॉरी, क्या नाम है? सुरभि। सुरभि बुक फेयर कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है। पहले दादाजी के साथ आते थे, अब वो नहीं है तो अकेले आते हैं। अकेले आते हैं। क्या कर रही हैं अभी पढ़ाई में? अभी हम एमए इंग्लिश कर रहे हैं। एमए इंग्लिश किस यूनिवर्सिटी से? एक्चुअली अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की यहाँ पर जो बुक्स हैं अवेलेबल हैं? आप लोग क्या स्टूडेंट क्या तलाशते हैं ये बताइए जरा। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मोस्टली अपने एग्जाम के लिए तलाशते हैं, और अदर की बहुत लाइट हार्ट स्टोरी पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छा अच्छा, आप लोग क्या महाभारत देख रहे थे, क्या देख रहे थे? नहीं नहीं, हम लोग फिक्शन बुक मोस्टली देख रहे थे, इंग्लिश का। इंग्लिश? आप आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा जी, क्या क्या पसंद करती हैं बुक्स में? यहाँ पर आप लोग जो पटना बुक फेयर में आए हैं तो यहाँ पर तो कलेक्शन है बुक्स के, आप लोगों को क्या पसंद आता है, स्टूडेंट क्या देखता है बुक्स में ये बता दें। एक्चुअली जैसे देखिए, अब मेरा मैं एमबीए कर रही हूँ तो मेरे से वही हो गया जो मतलब वॉरेन बफेट वो सब मैंने देखा, मैं सोच रही हूँ लेने का, मतलब मेरे से रिलेटेड जो स्टॉक मार्केट वगैरह, तो इसी सब से मैं देख रही हूँ। फाइनेंस स्टूडेंट क्या? हाँ, MBA। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। और यहाँ पर बुक फेयर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा लगता है? 8 घंटे का, इट्स नाइस। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जिन्हें भी बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट होगी तो आना ही चाहिए। जस्ट लाइक माय फ्रेंड, अच्छा अच्छा, इसे बहुत बुक पढ़ना पसंद है। अच्छा अच्छा, 6 घंटे की बात करते हैं। बुक फेयर में क्या अच्छा लगा? हर साल आती है या फिर पहली बार आई है? पिछले 1 साल से हम लोग आ रहे हैं। कितना बजे बोलता है? पहले हम लोग यहीं पढ़ते थे मेला में। अच्छा, और उसी टाइम से आ रहे हैं। अब बताओ, अच्छा लगता है स्वास्थ्य जीवन और काफी अलग अलग बुक्स देखने को के पास है कि आदमी। अभी मैं एक्सप्लोर करने के बाद जो है बुक फेयर से एग्जिट कर रहा हूँ, और गेट यही है जहाँ पर आएंगे और इसी से आप जाएंगे, तो एक बेहतर माध्यम है अगर आप बुक्स लवर हैं, किताब को पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं किताबों को, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी आप देख रहे थे सम्राट उपाध्याय को एक्सप्लोर।